हो क्या बात है, मजा आएगा। एक गाना बहुत हिट हुआ, बच्चन साहब ने एक्टिंग की, लेकिन उसमें लिरिक में इतनी मिस्टेक है। एक तो सारी गलतियां ढूंढने का जिम्मा मेरे ऊपर ही है, मैं ही टेंशन लेता हूं। गाना हिट है, लिखा गलत है। गाना है झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। अब बताइए जब कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा। जबरदस्ती की बात है। एक गाना और, ईद वाले दिन अख्तर भाई, ईद वाले दिन अख्तर भाई किसी को धो रहे हैं, धपा धपा, क्यों मार रहे, बदतमीजी करता है, गाने गाता है। तो गाना गाना कौन सा बदतमीजी, गाना सुनिए, गाना सुनिए, सुना भाई। हम ये गा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इसमें क्या गलत है, आसमान मेरी औरत का नाम है, यही ऊपर रहेगा। वैसे एक बात मैं ऐलान कर दूं सबके सामने खुलेआम, आज मैं सबसे हॉट हूं, सबसे हॉट हूं मैं आज। शाहरुख से भी हॉट, अभिषेक से भी हॉट, जॉन इब्राहिम से भी हॉट, क्योंकि सुबह से मुझे 103 बुखार है, 103 तापा है, करूं क्या। एक भैया जी, हमारे गजोदर भैया बड़बड़ा रहे हैं, बहुत गुस्से में, अरे हम कह रहे हैं नवरात्रि में, कह रहे हैं फाल्गुनी का गाना सुने, सब चीटिंग किया है, चीटिंग करता है, गरीब आदमी को पैसा लूटा है, वहाँ कोनो फाल्गुनी नहीं रहे, फाल्गुनी है ये नहीं, वहाँ सफारी पहन के कोई पाठक साहब गावत रहे। ओ, पुलिस का शोर, मुझे जो याद आया, जेलर ने आके कैदी से कहा, जेलर ने कैदी को सूचना दी, कैदी मनोहर, हाँ, कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हें सूचना दी जाती है सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। कौन देगा, ये देगा कौन, किसको, मुझे, क्या बात कर रहे, पक्का। अरे तुम हंस क्यों रहे, अरे मैं सुबह 8 बजे सो के उठता हूँ। दोस्तों अगर पहले याद कीजिए, पहले अपने देश में हमारे आपके घरों में नए साल के जो कैलेंडर आते थे उसमें भगवान की तस्वीर होती थी। जनवरी का पेज खोला, गणपति जी बने होते थे। फरवरी का पेज खोला, कृष्ण भगवान होते थे। मार्च खोला, शंकर भगवान। अप्रैल बजरंग बली मारुति। अब ऐसे कैलेंडर कोई लाते ही नहीं। अब अगर आपके घर में हॉट कैलेंडर नहीं है, ये जो गोवा में बनाते हैं, अगर इनके कैलेंडर हॉट आपके घर में नहीं है तो आपने मुंबई में कुछ तरक्की नहीं की, आपका जीना बेकार है। ये कैलेंडर चाहिए, ये तरक्की हुई हिंदुस्तान की। जनवरी का पेज खोलिए, एक मॉडल छोटे छोटे कपड़ों में, ये रहेगी जनवरी। और अगर खिड़की खुली रह गई तो जनवरी हिलेगी। अब पूरा महीना आपको इसी में निकालना है। फरवरी का पेज खोलिए, एक लड़की और छोटे कपड़ों में लोहे के खंभे से लिपटी रहेगी। ऐसा लगता है इसके खंभे से चिपकने से ही महाराष्ट्र में बिजली पैदा हो रही है। अप्रैल का पेज खोलिए, एक मॉडल ने कमाल किया। अप्रैल का पेज खोला, उस मॉडल ने कुछ नहीं पहना, बोले पहनते तो सब हैं, कुछ नहीं पहना, बॉडी में सिर्फ सांप डाल लिया। अब उसकी शक्ल देखिए, अप्रैल। ये पेज गजोदर भैया को मिला कैलेंडर, 3 महीने पेज नहीं पलटा, बोले क्यों, पता नहीं कब सांप इधर उधर सरक जाए। बहुत किसी के पास टाइम नहीं, सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है। कलाकार लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आए। लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत है। अच्छा, पहले टेस्ट मैच होते थे क्रिकेट में, अभी भी होते हैं, उनका जरा भाव कम हो रहा है, 5-5 दिन चलते थे। अच्छा हुआ टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप नहीं होता है, नहीं तो 1.5-2 साल बाद कोई बताएगा इंडिया जीत गई है। टेस्ट मैच के बाद आया वनडे के बाद आया 2020, अभी देखना आएगा 10-10 ओवर, फिर आएगा 5-5 ओवर, फिर लोग क्या करेंगे, टॉस करो, हार जीत करके घर जाओ। क्या को इतना लफड़ा करने का। अरे बच्चन साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक बार बच्चन साहब को आपको याद होगा, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अच्छे हो गए, सबकी दुआओं से अच्छे होते ही अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, अमित जी ड्राइवर से बोले,
अरे भैया ऐसा कीजिए, जरा गाड़ी निकालिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं, हम बहुत दिन हो गए, जरा सा राउंड मारेंगे, थोड़ा सा मरीन ड्राइव घूम के आएंगे, घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो जरा सा चक्कर मारेंगे भाई। और सुनिए ड्राइवर महोदय, आप पीछे बैठ जाइए, मैं खुद ड्राइव करूँ। अरे साहब आपका तबीयत, अरे कमरा में बैठा, हाँ तबीयत बराबर है आपका। ड्राइवर पीछे बैठ गया, अमिताभ बच्चन जी ड्राइव कर रहे थे, एक रेड सिग्नल से निकल गए, दूसरी लाल बत्ती से निकल गए, ट्रैफिक हवलदार ने रोका, ओ थामा थामा लाइसेंस, थामा थामा, अरे साहब साहब जल्दी साहब लग रही है, हाँ साहब फाइन मारने के, हाँ साहब पावती बनाने के, साहब साहब गाड़ी में रोक के रखे, साहब साहब मेरे को नहीं जमेगा साहब, हाँ साहब कमिश्नर साहब पे लेके आओ साहब, नहीं साहब नाम मालूम नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी उसे ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा है। अपनी पुलिस पे फिर से आ रहा हूँ दोस्तों, पुलिस पे जोक करना आसान है, सच्चाई सुनना चाहिए। एक बार जब ऑफिसर घर से निकलता है यूनिफॉर्म पहन के, तो कई बार तीन तीन दिन चार चार दिन बाद घर जाते हैं कि यूनिफॉर्म में इनको डबल ड्यूटी तीन तीन ड्यूटी करना पड़ता है, इतना प्रेशर। लेकिन और मुझे तो लगता है मुंबई पुलिस सिर्फ त्योहार करवाने के लिए बनी है, त्योहार में आधी एनर्जी चली जाती, इतने त्योहार है अपने यहाँ, फेस्टिवल में गणपति विसर्जन में देखा जू बीच पे सारे सारे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी, वो गणपति विसर्जन में जू बीच लौकर करा लौकर लौकर हो दहा बाज ले लौकर करा लौकर, जो आरती कर रहा वही जल्दी जल्दी, हाँ जय देव मंगल मूर्ति लौकर लौकर झाला दहा बाज ले चला दहा पर्यंत आए, अरे इतना घाई का कहो, अरे बाबा संवेदनशील है संवेदनशील है सेंसिटिव है, पुलिस मुख्यालय में ईमेल आला है, संवेदनशील है, टेंशन है हमको सब देखना पड़ता है, लौकर करा लौकर, अभी कल से हमको रमजान देखने का है, रमजान चालू हुआ ईद वाले दिन, चला चला लौकर अख्तर भाई तीन बार गले नहीं लगने का दो बार ईद मुबारक हो, चला चला लौकर लौकर लौकर, कल से नवरात्रि देखने का है, एक एक गुजराती को चार चार हवलदार दिए ले, इस बार डांडिया घर से नहीं ला सकते, नया कानून है पुलिस स्टेशन से डांडिया मिलेगा 10:30 बजे वापस करने का है, लौकर लौकर लौकर, ईमेल आला है ईमेल, संवेदनशील है ईमेल, चला 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 कर से चला, अभी दुर्गा पूजा देखने का है, चला दीपावली देखने का चला, अरे क्या है ईमेल आया संवेदनशील है, अरे बाबा तुम कौन है इतना नॉलेज तुमको, मैं ईमेल देने वाला, इस तरह से बात है। अच्छा आप सोचिए अगर हंसने पर टैक्स लग जाए तो क्या होगा, पुलिस घूम रही है लाफ्टर मीटर लेके हर गार्डन के पास, सुबह सुबह घूम रहे, बोले गार्डन में सुबह सुबह हंसते लोग, पुलिस घूम रही है, अचानक पुलिस एकदम रेट पड़े, हे कौन हंसा रे कौन हंसा, तुम हंसा क्या, नहीं सर मैं नहीं सर मैं नहीं सर मैं क्या हंसेगा, मैं नहीं सर मैं तो गरीब आदमी है, मैं 79 में हंसा था, उसका पावती भी मेरे पास, हंसने पे अगर पावती बनेगी तो पता है किसका घर बिक जाएगा जुर्माना भर भर के, नवजोत सिंह सिद्धू का, थैंक यू इनके लिए बड़ा ही स्पेशल साल रहा, यादगार साल रहा, इनकी डेब्यू फिल्म इसी साल रिलीज हुई, सिंगर तो ये पहले से ही थे, पहली फिल्म ने इन्हें एक्टर्स की कतार में भी आगे लाकर खड़ा कर दिया, व्हाट अ ह्यूज कैनवस एंड व्हाट अ ह्यूज डेब्यू, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिकली तो इस फिल्म पर इनकी मोहर साफ दिख रही थी, द स्टार ऑफ आपका सुरूर सिंगिंग सेंसेशन हिमेश रेशमिया। तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल
नहीं लगता तेरे बिन दिल नहीं लगता।